और राजधानी लखनऊ में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति से जुड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। प्रदेश में पुरानी महलों को हेरिटेज होटल में बदलने के लिए सरकार मदद करेगी। विलेज स्टे के लिए ग्रामीण इलाकों में भी मदद ली जाएगी। पुरानी घरों को विलेज स्टे योजना के तहत सुधारने में मदद की जाएगी। कैबिनेट बैठक में दो निजी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव पास हुआ है। तो वहीं HIT गाजियाबाद एवं महावीर विश्वविद्यालय मेरठ का प्रस्ताव भी पास हुआ है। PGI में क्रिटिकल केयर यूनिट के लिए 12 बेड बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। योगी कैबिनेट ने शीतकालीन सत्र से जुड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से शुरू होगा, जिसमें सदन की कार्यवाही की जाएगी। सत्र 3 दिन तक चलेगा। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 3 वाहनी के वाहनों की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें 244 नए वाहन क्रय किए जाएंगे और पुराने वाहनों को नीलाम किया जाएगा। राज्य में नई सोलर नीति को लागू किया जाएगा। आने वाले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी करेंगे। बढ़ाते हुए और उसमें कुछ और चीजें जोड़ते हुए हमने नई नीति लाने का निर्णय लिया है। IT विभाग की 2 पॉलिसीज आई थी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बारे में माननीय लक्ष्य था हमारा 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना, 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स EMC की स्थापना, राज्य में 3 उत्कृष्टता के केंद्रों को स्थापना किया जाना, घरेलू वैश्विक निवेशकों हेतु ESDS पार्क की स्थापना, वो है राज्य में नई सौर ऊर्जा नीति सोलर पॉलिसी का प्रस्ताव। आपके संज्ञान में होगा कि उत्तर प्रदेश में 2017 में एक नीति सौर ऊर्जा की बनी थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए और उसमें कुछ और चीजें जोड़ते हुए हमने नई नीति लाने का निर्णय लिया है। IT विभाग की 2 पॉलिसीज आई थी, एक तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बारे में माननीय मंत्री जी ने बता दिया है, दूसरी पॉलिसी IT पॉलिसी है। सभी को विदित है कि IT और IT एनेबल्ड सर्विसेज के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। ये हमारी जो लास्ट पॉलिसी थी वो 2017 की